नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। मुहर्रम की कवरेज कर रहे पत्रकारों पर पुलिस वालों ने उनको मारा पीटा था, डंडे से मारा था, ना जाने किस तरह की तस्वीरें जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने ये हरकत की थी, क्योंकि पत्रकार अपना दायित्व निभा रहे थे, पत्रकारों को कार्य ही है कि कुछ भी हो वो बेचारे जाकर वहाँ पर अपना कवरेज वगैरह करें जो उनके दायित्व हैं, और जो तस्वीरें उनको लगता है कि पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, तो पत्रकारों का ये दायित्व है। और उसमें उनके साथ मारपीट का ये मामला जो है वो तूल पकड़ रहा था, लेकिन हमारे DGP जो हैं वो इसके ऊपर सख्त उन्होंने रुख अपनाया, और कुछ पुलिसकर्मी जो वहाँ पर ये हरकत कर रहे थे, पत्रकारों को मारपीट रहे थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, लाइन हाजिर किए गए हैं। इसके अलावा पाक MBBS सीट्स को बेचने के चक्कर में, और इसके अलावा उन पैसों का दुरुपयोग यानी कि आतंकवाद में उन पैसों का इस्तेमाल करने पर 4 अलगाववादी नेता जो हैं वो गिरफ्तार कर दिए गए हैं। और इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी कुछ लीडरों के नाम आ रहे हैं, लेकिन ये अलगाववादी जो भावना है लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर, या हम यूँ कहें कश्मीर के अंदर, पनप रही है। और यहाँ क्या क्या होता था आप सब जानते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला कश्मीर से सामने आया। दीपू जी, इज अनफॉर्चुनेट, जम्मू के पत्रकार हों या श्रीनगर के पत्रकार हों, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन DGP साहब ने जो मैंने सुना है, जो कार्रवाई की बात की है, वो बड़ी ढीली 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 है। ढीली क्यों? वो पुलिस लाइन हाजिर, लाइन हाजिर इज नो पनिशमेंट। अच्छा, DGP साहब अपनी कलम का इस्तेमाल करें, उनको सस्पेंड करें कम से कम। मेरी छोटी मोटी बुद्धि के अनुसार लाइन हाजिर इज नो पनिशमेंट, मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। DGP साहब बहुत समझदार आदमी है, बहुत ऊंचे उनकी सोच है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो सड़क आदमी हूँ, आपको मैं 35 बार बोल चुका हूँ, लाइन हाजिर इज नो पनिशमेंट। इधर से नहीं तो उधर रख दिया, इट इज़ एन आई वॉश, मामला ठंडा करने के लिए, बस बहुत दिन आई वॉश। आप क्या बोले इसके ऊपर, इट इज़ आई वॉश, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता ना। चलिए, इसके अलावा 4 अलगाववादी नेता जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। पाक कोई MBBS सीट्स को सीटें पर क्या हुए मैनेज की वो कुछ है, लेकिन ये सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी संज्ञान में है, LG साहब के भी संज्ञान में है, और जो ये करेक्टर्स हैं जिन्होंने ये कुछ किया वो भी इनके संज्ञान में है। बात वहीं पे रुकती है, बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या बोले, बराबर अलगाव बनाई, अलगाववादी नेता हैं या क्या हैं, क्या हैं वो जो भी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके जो आका हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं वो मुफ्ती जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनको भी मुझे लग रहा है बड़े प्यार से डील किया जा रहा है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मुझे कहना नहीं चाहिए। वैसे मुसीबत है ना, पॉलिटिक्स भी, इलेक्शन भी जीतने पर क्या मुसीबतें होती है, इलेक्शन जीतने पर गठजोड़ बने, क्या गठबंधन बने, क्या क्या होते रहते हैं। हम तो नहीं इस कैटेगरी में ना, हमने इलेक्शन ना लड़ने हैं, ना हमारे पास पैसे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ना हमें कोई सपोर्ट करेगा, हमारी तो ऐसे ही होती बात, सिंपल बात। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता, देखिए पैसा नहीं चाहिए। आप करके कोशिश ट्राई करिए, आदमी लोग अब इन लोगों को भी इतना सिंपल ना समझिए। दो ही बातें हैं इंडियन राजनीति की जो मैंने अपने 70 years ऑफ लाइफ में देखी, नोट एंड वोट। इसके लिए कुछ भी किया जा सकता, आप इससे ज़्यादा मत बोलिए मेरे से। सर, नोट और वोट के लिए मतलब कुछ भी किया जा सकता है, अब क्या बोलें सर, स्थितियाँ बदल नहीं रही हैं? नहीं, बदल रही हैं, लेकिन गति धीमी है। मैं नहीं कह रहा बदल नहीं रही है, मैं ये नहीं कहा मैंने, लेकिन गति धीमी है ना, हम कहते हैं गतिशील हो जाए, एक्टिव हो जाए। 5 साल प्रधानमंत्री के पास हैं तो थोड़ा, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो अब UT के पर रिस्ट्रिक्ट हैं। गति, बाकी
बड़ी ऊंची ऊंची बातें की जाती हैं, सच बोला जाए। हम मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ गए होंगे, खासकर एलजी साहब, सच बोला जाए, करेज होनी चाहिए, ये हो। मैं एलजी साहब को दंडवत नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं एलजी साहब को फिर अगेन रिक्वेस्ट करूँ, सर हमें मॉरल एजुकेशन मत दीजिए, हम खुद टीचर हैं। मॉरल एजुकेशन जैसे मत दीजिए, हम खुद एक टीचर हैं ना। अब हमें डबल डोज मिल रही है, हम सच में ही चलते हैं। सच भी एक मॉरल एजुकेशन, हमें पता ना सच क्या है। हमने 35 साल की सर्विस में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आजकल के दक्कन उसी प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, हमने बच्चों को सच ही कहा है, और आप भी रिटायरमेंट के बाद सच की ही बात कर रहे हैं। तो अगर एलजी साहब को लगता है हमारी नीयत पर कोई शक है, तो हमारा वो एग्जामिनेशन कर ले, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है मेरे लिए। तो एलजी साहब कोई मॉरल वैल्यू सिखा रहे हैं आपको अभी? नहीं, पढ़ी थी आज वो, सच बोलो, करेज होनी चाहिए। बोले क्या, वो डेली एक्सरसाइज में छपा हुआ था, बोले क्या लिखा हुआ था कुछ? अच्छा, हमने पढ़ा और उसको ठीक है, बोला तो बोला। पब्लिक के लिए ना, ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनके लिए बोलने में आते हैं जी, हम कोई वीआईपी थोड़ी है। नहीं, वो आपको आपकी आपकी तरफ इशारा करके थोड़ी, वो तो चलो ठीक है, आप कहते हैं आप एलजी साहब को ज्यादा नंबर देना चाहते हैं, दे दीजिए, हमें क्या परेशानी है। अच्छे काम के नंबर तो सबको दे, हमें क्या परेशानी है, कोई बात। लेकिन मैं एज ए सिटीजन मैं ये कह रहा हूँ, बराए मेहरबानी हमें ज़्यादा मॉरल एजुकेशन ना सिखाएं। हमें पता है सच क्या होता है, हमें पता है अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, हमें पता है ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, और हमने इसके लिए ज़िंदगी के कम से कम 18 साल ज़िंदगी गंवा दी। ना हमें ट्रांसपेरेंसी मिली, ना हमें अकाउंटेबिलिटी मिली, ना हमें वो बड़ी बड़ी बातें मिली जिसका जिक्र किया जाता है तकरीरों में। दैट इज़ फॉर दीपू जी, आप बड़ी सच की बात, दैट इज़ फॉर पब्लिक कंजम्पशन। तो आप चाह रहे हैं कि जो बातें कही, नहीं मेरा सवाल ये है कि आप ये चाहते हैं कि जो बात कही जा रही है उसे प्रैक्टिकली और फास्ट किया जाए? नहीं, वो तो करें, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कर्मयोगी भी हैं, ठीक है तो कर्मयोगी है ना, हम ज्ञान योगी भी हैं, ठीक मान लिया। अब एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कौन लड़े, हमारे पास टाइम ही नहीं, फुर्सत नहीं हमारे पास। हमारे पास ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, और दूसरे योग भी जो गीता में दिए हैं वो भी हैं, तो ठीक है जी, आप क्या बोले। नहीं तो कहीं आपको उनके काम में ढिलाई ढील, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्री नहीं करना चाहता। मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हमें मत तंग कर दीजिए, हमें पता है सच क्या होता है। मैं तो सिंपल बात कर, मैं ये नहीं कह रहा कोई क्या कह रहा, हमें पता है सच क्या होता है। आप चाहते हैं कि हमारे, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैंने जो बोला आपके इंटरव्यू में पहले वही चाहता हूँ। इस सच एक नंगी तलवार होती है, पहले अपना इम्तिहान देना होता है, फिर दूसरों का इम्तिहान लो। अब इससे ज़्यादा प्रश्न मत पूछा जाए। कोई ऐसी बातें आपके संज्ञान में? नहीं, मैं एडवाइज़रों के बारे में, उनके नीचे तहसीलदार या उनके नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, डीसी हो गए, डीपकॉम, कोई आपको ऐसी बात लगी है इन लोगों के अंदर की इनकी भी? साहब को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। अब मुझे नाम नहीं लेने हैं, हमने कौन सी क्या पोस्ट लगी उसका जिक्र नहीं करना है, उनको सब पता है। फिर वही बात, कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी, धीरे धीरे मजबूरियां दूर की जा सकती है। धीरे धीरे कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे हमारी, हम चले जाएंगे दूसरी दुनिया में भी, या धीरे धीरे चलता रहेगा। बात साफ है, साफ है बिल्कुल। चलिए, जहाँ से हमने शुरू किया था मुहर्रम में पत्रकारों को जो मारा, इट्स ए वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट। और डीजीपी साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे बड़े गणमान्य लोग हैं, लेकिन डीजी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डीजीपी साहब कुछ एक्शन चाहिए। डीजीपी इज डीजीपी, इधर ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर, इससे बात नहीं बनेगी। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं गलत हूँ तो गलती से ही। पत्रकारों को कहीं गलती दिखती है आप? मुझे नहीं पता, डीजीपी साहब ने खुद ही एक्शन का लिए कहा, मैं उनके एक्शन की बात कर रहा हूँ। ये बड़ा ढीला ढाला एक्शन है। जिन पत्रकारों ने ये कुछ गड़बड़ी की, जिन पुलिस कर्मियों ने, सॉरी,
जिन पुलिस कर्मियों ने ये कुछ ऐसी गड़बड़ की, डीजीपी साहब ने एक्शन के लिए कहा ना, मैंने तो नहीं कहा, ये इधर ट्रांसफर ये ट्रांसफर, मैं कह ये ऐसा नहीं होता। वो बताएं कि मैं डीजीपी हूं कहां का, यूटी ऑफ जेएंडके का, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं जी भाई, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, हम अपने नाम लेने लोगों के, अब क्या बोलें। वो साहब वो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो समझ गए, बड़े इंटेलिजेंट आदमी है वो, समझ गए बस। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने, मेहरबानी। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इनके ऊपर बातचीत होना ज़रूरी है, और पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला जो है ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्यों हुआ, क्या हुआ, किसकी डायरेक्शन थी उस समय उनको मारपीट करने की, और बाद में किसके ऊपर घास गिर रही है, ये सब भी एक चिंता का विषय है, और इनके ऊपर भी सोचना ज़रूरी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और डीजीपी साहब थोड़ा सख्त दिख रहे हैं, थोड़ा और सख्ती, जैसे भल्ला साहब कह रहे हैं, थोड़ा और सख्ती दिखाई जाए, ताकि ये पुलिस कर्मी अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर पाएं। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें, और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।